नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 29 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड इन फार्मिंग इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां कई प्रगतिशील किसान, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। सीड का इम्पोर्टेंस मैम हमारी खेती में बहुत अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम एक अच्छा बीज बोएंगे तो उससे भी पैदावार अच्छे से हम ले पाएंगे। अब सीड के रूप में मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि हम लोग जितना जानते हैं बीज के बारे में, तो बीज मुख्य रूप से तीन अलग अलग स्टेपों में इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक हो गया न्यूक्लियस सीड, एक हो गया ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। जैसा कि हमारी सरकार भी कहती है कि किसानों की आय दोगुना होना चाहिए, तो इसमें बीज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। 25 दिसंबर को पद्मश्री पुरस्कार विजेता राही भाई सोमा पोपरे के हाथों कृषि जागरण के डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां कई नामी कृषि कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। The media is very important to give the all researches to the farmers. So Dominic, I know for almost 20-25 years working in this area and really spreading the messages, the technologies and information to the farmers through his media, and that is why we say that media and researchers they have to go together, that all the information which we built, we also have our own system of spreading the knowledge and information to the farmers. But media plays a very vital role, not only in terms of the farmers but also with the government for policies and other things. So I think it is a bridge between us farmers and the government, and I congratulate you to make this beautiful office and contribute more in the future, and my best wishes to you. Thank you. During pandemic also, we are very very fortunate that agriculture has grown by 3% in GDP, where all the sectors have shown negative growth, but agriculture continues to grow. Agriculture extension needs to be geared up. I think all kudos to Dominic for initiating this work in agriculture, and especially the Krishi Jagran, which I read with a lot of passion. And having spent almost around 53 years in this field, continuously working from 68 till date, I think still I have no words to explain or to express what the work you are doing. महाराष्ट्र के नागपुर स्थित रेशम बाग ग्राउंड में 24 से 27 दिसंबर तक एग्रोविजन फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल पर ज्यादा फोकस किया, तो वहीं इन चार दिनों में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसान, उद्योग और सरकार के लिए एक मंच प्रदान करना है। हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कृत करने का फैसला किया है। दरअसल इसमें उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने साथी किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों के लिए किसान www.agriharyana.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गन्ना किसानों को अतिरिक्त बाउंडिंग सुविधा लागू होने से फायदा मिलने के साथ अब फसलों के दाम समय से मिल रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद जिला गन्ना अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि किसानों के लिए अतिरिक्त बाउंडिंग सुविधा लागू कर दी गई है, जिसके लिए पहले फरवरी मार्च का इंतजार करते थे, लेकिन अब इस बार किसानों को ये सुविधा शुरू में ही दे दी गई है। अब किसानों को गन्ना ज्यादा और पर्ची कम होने की समस्या नहीं आएगी। सौर ऊर्जा से अब रात को भी सिंचाई हो सकेगी। दरअसल राजस्थान का उद्यान विभाग किसानों को एक ऐसा उपकरण दे रहा है जिससे सौर ऊर्जा को स्टोर किया जा सकेगा। इससे पहले किसान केवल सूरज निकलने के समय ही सिंचाई कर सकते थे, लेकिन उद्यान विभाग की ओर से यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। ये कंट्रोलर लग जाने के बाद दिन में भी सूरज की ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आप रात के समय या फिर जब चाहें इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों में हिमपात शुरू होने से एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है।
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली NCR तक देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे, तो वहीं हिमपात के असर से दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।